किसान संयुक्त मोर्चा के बंद का आह्वान का असर आज हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित डांगू पुल पर भी देखने को मिला, जहां एक तरफ इस बंद के आह्वान का समर्थन देश के कई संगठन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी आज यातायात को पूरी तरह बंद कर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। इस बंद का असर नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ जरूरी काम के लिए जा रहे लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। आज सुबह 6 बजे से ही किसानों ने इस किसान संयुक्त मोर्चा के बंद के आह्वान को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए यातायात पूरी तरह से बंद किया हुआ है। इस बंद के आह्वान से किसी आपातकालीन सेवाओं, सेना के वाहनों व एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है, लेकिन बाकी सभी वाहनों के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग पठानकोट जालंधर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश के अन्य भागों से हिमाचल की तरफ जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है, आज के दिन में अपने जरूरी कामों को अगर टाल सकते हैं तो टाल दें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल की सीमा पर भी बदरोआ में भी किसानों ने ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच खड़ा कर रखा है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हिमाचल पुलिस की तरफ से पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत बंद के दौरान उपमंडल इंदौरा के सीमावर्ती क्षेत्र मिलवा में राष्ट्रीय राजमार्ग सुनसान दिखा। मिलवा से कुछ ही दूरी पर पंजाब के किसानों द्वारा ट्रैक्टर ट्रालियों को हाईवे के बीच में खड़ा कर राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक रखा है, तथा वहीं पर हाजीपुर रोड मोड़ पर टेंट लगाकर किसानों की विभिन्न जाथेबंदियों ने धरना लगाकर यातायात को रोका, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जालंधर पठानकोट रोड बिल्कुल सुना दिखा, सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही आगे जाने दिया। विभिन्न जत्थेबंदियों द्वारा बंद के आह्वान के कारण आने जाने वाले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हिमाचल प्रदेश के रास्तों को अपनाकर अपना सफर तय किया गया, क्योंकि हिमाचल में बंद के आह्वान का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र की अधिकांश दुकानें बंद रही। जाना कहाँ था? जाना है लोकल पठानकोट। अब क्या करेंगे इस दूध का? क्या करेंगे जी, अब तो देखो, अगर जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं जाने देंगे तो बस वापिस जाएंगे, क्या करेंगे। इस वे जिन्या भी जथेबंदियां ने सारिया खड़िया ने, विशेष तौर पर असं इन्ना कहने किसान तो एक तौर पर है ही नहीं, शहर जी गुरमान्य पासपोर्ट बनवाना है या फिर कोई एमरजेंसी है या किसी गड्डी कच्चा माल हो, सारे छूट है, उसके अलावा किसी लंगर नहीं दिता जाएगा। बेनती है, कुछ व्यक्ति झूठ बोल के इतने कर रहे हैं, उन्होंने करके दूजे परेशानी होती पई है जी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए इंदौरा से रमन कुमार की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS एकेडमी राजा का तालाब। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार
और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।